आज अपन बात करेंगे केयर रेटिंग्स लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी का स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 662 रुपये ट्रेड कर रहा है। आज की ट्रेडिंग सीजन में 3.40% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो 1% की तेजी, एक साल की अगर बात करें तो 58.92% की तेजी, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो 28.48% की गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिली है। कंपनी को लेकर Q4 के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 के नंबर भी यहाँ पर अपडेट हुए हैं। अगर अपन बात करें कंपनी के रिजल्ट की, कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी डाटा आपको देखने को मिले लाख के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये Q4 आपको जो Q4 जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 का आपको देखने को मिल रहा है, ये Q3 है और ये अगर बात करें पिछले साल का Q4 है। अगर बात करें टोटल इनकम की तो कंपनी जो टोटल इनकम है यहाँ पर आपको 8,787 लाख देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर के अंदर 7,373 लाख थी और पिछले साल के Q4 के अंदर 7,305, यानी कंपनी की जो इनकम है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में और पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में Q4 की तुलना में यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नज़र आई है। टोटल एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी की जो टोटल एक्सपेंसेस है 5,379 आपको देखने को मिल रहा है, 5,379 लाख आपको देखने को मिल रहा है और पिछले क्वार्टर के अंदर 5,105 लाख देखने को मिल रहा है और पिछले साल के Q4 के अंदर 4,566 लाख आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर देखें तो 3,408 लाख का आपको देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर के अंदर 2,267 और पिछले साल के Q4 के अंदर 2,739 लाख का। अगर अपन बात करें प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है 2,015 लाख का देखने को मिल रहा है और पिछले क्वार्टर के अंदर 1,631 लाख का था और फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 के अंदर 2,330, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q4 की तुलना में आपको डाउनवर्ड देखने को मिला है लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ पर आपको अपवर्ड देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर बात करें टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम की तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 2,022 लाख की, पिछले क्वार्टर के अंदर 1,599 लाख की और पिछले साल के Q4 के अंदर 3,175 लाख की, यानी सेम सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। पिछले साल के Q4 की तुलना में आपको गिरावट और Q3 की तुलना में आपको यहाँ पर अपवर्ड देखने को मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी की टोटल इनकम 27,482 लाख थी जो बढ़कर 31,692 लाख आपको देखने को मिल रही है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो कंपनी 2022 के अंदर 17,619 का जो एक्सपेंस था वो यहाँ पर 19,118 का देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर अपन बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो पिछले साल आपको 9,863 का देखने को मिल रहा था और इस साल 12,774 लाख का आपको देखने को मिल रहा है। अगर इनकम टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो पिछले साल 7,682 लाख का प्रॉफिट था और इस साल 8,545 लाख का आपको देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके ईयर टू ईयर यहाँ पर आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम की अगर बात तो वहाँ पर पिछले साल कंपनी की जो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम थी 8,466 लाख की वो यहाँ पर कम होती हुई आपको नज़र आई है 8,460 लाख की, यानी कंपनी ने यहाँ पर अपना जो ऑपरेशनल वर्क है वहाँ से अपनी इनकम को यहाँ पर इंक्रीज किया है लेकिन आपको टोटल जो कंप्रीहेंसिव इनकम की अगर बात करें वहाँ पर आपको डाउनवर्ड देखने को मिला है। इसके साथ अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, FIIs ने यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर की तुलना में मार्च क्वार्टर में अगर देखें तो 17.99 से बढ़ाकर 20.03, यानी FIIs ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। DIIs की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अपनी होल्डिंग को दिसंबर क्वार्टर के अंदर 25.06 से कम करके 23.79 आपको देखने को मिल रही है। अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 56.94 से कम होकर 56.16 आपको देखने को मिल रही है, यानी पब्लिक और DIIs की होल्डिंग आपको कम होती हुई नजर आ रही है लेकिन FIIs की होल्डिंग यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नहीं है। प्रमोटर्स की आपके कोई भी होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर चला लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप